दोस्तों स्टडी नाइन्टी वन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं आधुनिक भारत के इतिहास में एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखिए शुरुआत से मैं बताना चाहूंगा एक नंबर से लेकर छियालीस नंबर तक जो क्लास दी गई वो एंशियंट हिस्ट्री पैंतालीस नंबर तक वो एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित थी छियालीस से लेकर के इक्यानवे नंबर तक जो क्लास दिया गया दोस्तों नाइन्टी पार्ट तक वो दोस्तों मिडावल हिस्ट्री से संबंधित था और नाइनटी से जो सीरीज हमारी स्टार्ट हुई

प्रधानमंत्री कौन थे देखिए जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तब प्रधानमंत्री कौन ब्रिटिश आप अधिकृत भारत कहा गया, गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की के के नियुक्ति कौन करता था पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया कानून लागू करने से पूर्व किसकी अनुमति अनिवार्य थी इस तरह के शानदार सवाल

के सवाल करेंगे और जो चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों तो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं और पिट्स इंडिया एक्ट के सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं दोनों सवालों पर हम चर्चा करने वाले जिन बच्चों को लग रहा होगा कि सर सभी सवाल हमें आते हैं भाई उनके लिए मैं ताली पहले बजा देता हूँ सब सवाल आते हैं कॉपी कलम लीजिए नोट करिए कि आगे जो मैं तीस सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं कितने सवाल का सही सही आप जवाब दे पाते हमारे क्लास में किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया होता ठीक है क्यों हम ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस नहीं कराते विदाउट ऑप्शन प्रैक्टिस कराते ताकि सीधे हम जवाबों पर बात कर सके ठीक है पहला क्वेश्चन दिख रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किसकी गतिविधियों को तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और आई कब थी दोस्तों तो दसों बार आपको बता चुका हूं कि पंद्रह में आ चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है ये मैं रुपए वाला सैंपल क्यों लगा दिया है। तो में आ चुकी थी लेकिन दोस्तों इसको अधिकार पत्र कब मिला इसे अधिकार पत्र मिल गया था यह भी याद रखेंगे अभी पूछ रहा है कि इसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा क्या पारित किया गया तो याद रखेंगे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया क्या पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब आया था दोस्तों एक्ट तो याद रखेंगे सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जो ब्रिटेन ब्रिटिश संसद था दोस्तों संसद के द्वारा ये अधिनियम को पास किया गया था याद रखेंगे ठीक है अब सवाल का सिलसिला यहां से शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट के पहले ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी में हिस्सेदारी कितनी थी या कितना प्रतिशत हिस्सा लेती थी ठीक है तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये ब्रिटिश सरकार की एंट्री कब होती दोस्तों इंट्री कब होती है किसकी तो याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार की दोस्तों एंट्री कब होती तो याद रखेगा सत्रह ईस्वी में जब सरकार को ये पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वार्षिक आय वार्षिक आय कितनी है चालीस लाख रुपए कितना दोस्तों उस जमाने में चालीस लाख ,00 रुपए दोस्तों आय हुआ करती थी किसकी इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तब दोस्तों यहां पर दस प्रतिशत का हिस्सा तय हो गया कि दस प्रतिशत का हिस्सा किसका रहेगा दोस्तों यह हिस्सा किसका रहेगा दोस्तों ब्रिटिश सरकार का रहेगा यह उसी समय दोस्तों तय कर दिया गया था ठीक है कि कंपनी जितना भी वार्षिक मुनाफा कमाएगी उस वार्षिक आय से दस निकालकर किसे देगी दोस्तों वो देगी ब्रिटिश सरकार को सत्रह सौ के दौरान ही एंट्री हो चुकी थी यह बात आ चुका था ठीक है तो यह भी याद रखेंगे लेकिन किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया तो दोस्तों जब रेगुलेटिंग एक्ट आया ना जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट आया तो दोस्तों इस एक्ट के तहत दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे दोस्तों गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और उसकी पावर बढ़ा दी गई कैसे बढ़ा दी गई दोस्तों तो यहां पर दोस्तों जो मद्रास का गवर्नर होता था और जो बंबई का गवर्नर होता था दोस्तों मद्रास और बंबई के गवर्नर को भी दोस्तों याद रखेंगे इसके अधीन कर दिया गया क्या कर दिया गया इसके अधीन कर दिया गया पहले तो दोस्तों बंबई और मद्रास के गवर्नर स्वतंत्र करते थे वह स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया और जब बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे अब उनकी दोस्तों स्वाधीनता समाप्त हो गई अब उनका स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई अब वो किसके अधीन आ गए अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए और ऐसे में पहला गवर्नर जनरल कौन था वारेन हेस्टिंग था जी हाँ दोस्तों वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था चलिए आगे बढ़ते हैं लिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अन्य किन गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया तो बताया तो अभी पीछे आपको कि बंबई और मद्रास के गवर्नर को ठीक है बंबई और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया दोस्तों ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया ये आप याद रखेंगे लिख रहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनने का अधिकार किससे किसे दिया गया जी हाँ दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों इस पे स्टार लगाएगा और ये सवाल परीक्षा में आए ना तो निश्चित रूप से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनता कौन था दोस्तों कुछ समय पहले तक जो 500 सौ पाँच सौ पाउंड जिनके पास के अंशधारी जो होते थे दोस्तों कंपनी थी तो कंपनी में दोस्तों अंशधारी भी होते थे तो वो दोस्तों चुनाव कर लेते थे लेकिन इस दौरान दोस्तों ये संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों एक हजार पाउंड जी हाँ दोस्तों एक हजार पाउंड Uh, जो अंशधारी होंगे दोस्तों केवल वही दोस्तों इसका चुनाव करेंगे ये दोस्तों एक नया नियम आ गया याद रखेंगे तो पहले 500 पाउंड वाले भी करते थे चुनाव में हिस्से लेते थे लेकिन अब 1000 पाउंड वाले जो अंशधारी होते थे केवल वही दोस्तों चुनाव करते थे किसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जी दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते थे लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने सदस्यों की गवर्निंग बॉडी थी दोस्त गवर्निंग बॉडी थी मतलब कितने फदस्य होते थे इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में याद रखेंगे दोस्तों कुल 24 सदस्यों की क्या थी दोस्तों 24 सदस्यों की यह गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी और कौन चुनाव करता था दोस्तों इनका तो जो एक हजार पाउंड कंसधारी होते थे वो चुनाव करते थे एक सवाल और आता दोस्तों इनका कार्यकाल कितना था कार्यकाल कितना रहता था दोस्तों तो चार साल का इनका कार्यकाल होता था कितने साल का दोस्तों चार साल का कार्यकाल होता था इनका यह सवाल भी आप याद रखेंगे आगे बढ़िए कंपनी के डायरेक्टरों का कार्यकाल कितना था ओ, फिर से सवाल आ गया दोस्तों तो यहां पे दो बातें आपको ध्यान देना है पहला पहले याद रखना दोस्तों कि अगर खाली कार्यकाल पर ध्यान देना हो तो बताइएगा कि कार्यकाल कितना था दोस्तों चार वर्ष का कार्यकाल था लेकिन इसके साथ एक छिपा हुआ तथ्य भी है क्या छिपा हुआ तथ्य दोस्तों तो याद रखेगा इनमें से <kuh> इनमें से इनमें से एक चौथाई सदस्य ठीक है प्रति प्रति जैसे आज हमारे राज्यसभा में होता है ना चेंज उसी तरह से एक चौथाई सदस्य के स्थान पर और ये प्रति वर्ष होते थे थी, ठीक है प्रति वर्ष है? दोस्तों क्या होते थे याद रखेंगे एक चौथाई सदस्य के स्थान पर के स्थान स्थान पर नए सदस्य नए सदस्य नए सदस्य चुने जाते थे इस बात का भी यहां पर विशेष ध्यान देना है याद रखना आपको ठीक है रहा कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया दोस्तों उस जमाने में है तो गवर्नर जनरल और साथ साथ दोस्तों इसको और याद रखेगा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ठीक है जो परिषद इसके लिए बनाई गई थी उस परिषद के सदस्यों का भी दोस्तों योगदान होता था किसमें दोस्तों कानून को बनाने में कोई भी कानून बनता था तो गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद होती थी वो मिलकर के दोस्तों इस कानून को बनाते थे और कानून बनाने के बाद भी उसे पास कराना पड़ता था तो कानून को लागू करने से पूर्व पूर्व जी हां दोस्तों किसकी अनुमति अनिवार्य थी तो याद रखेगा भारत सचिव ये तो बाद में आता भारत सचिव ठीक है जब तक भारत सचिव नहीं होता था तब तो दोस्तों गवर्नर जनरल ही लागू कर देता था लेकिन आगे चल के दोस्तों ये जब भारत सचिव बन गया तो दोस्तों भारत सचिव की अनुमति के बिना कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता था ये आप ध्यान में रखेंगे ठीक है और आगे बढ़िए लिख रहा किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किया गया दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था सत्रह 1773 ईस्वी में और दोस्तों इसके संशोधन की बात कब आती है तो जब पहला संशोधन जो किया गया वो सत्रह सो इक्यासी में किया गया और उसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या नाम दिया गया सत्रह में किया गया और उसका नाम क्या दिया गया दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या नाम दिया गया दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है याद रखेगा सवाल इस तरह से पूछता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया ठीक है या कब लागू किया गया तो सत्रह है इक्यासी पहला संशोधन है आगे लिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट की प्रशासनिक त्रुटियों को समाप्त करने के लिए दोस्तों प्रशासन के लेवल पर जो त्रुटियां थी उनको समाप्त करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया तो यहां पर आता दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा आता है पिट्स इंडिया इंडिया एक्ट पारित किया गया सवाल भी आता है दोस्तों क्यों पारित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट को तो ये आता दोस्तों, चौरासी। एक्ट है कब दोस्तों चौरासी में और आया कब दोस्तों में दोनों बातें आपको ध्यान रखना ठीक है तो जो प्रशासनिक त्रुटिया थी दोस्तों उसको समाप्त करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था लिख रहा है पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किसके नाम पर दोस्तों रखा गया किसके नाम पर तो उस समय तत्कालीन 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 प्रधानमंत्री जी दोस्तों प्रधानमंत्री ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे और वो भी युवा प्रधानमंत्री थे उस समय ठीक है उनका नाम क्या था दोस्तों विलियम पिट ठीक है क्या नाम था विलियम विलियम पिट जी हाँ दोस्तों विलियम पिट के नाम पर ही दोस्तों इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट ठीक है लेकिन इस पिट्स इंडिया एक्ट का दोस्तों विरोध किया था किसने वारेन हेस्टिंग्स ने जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसने स्वयं ही इसका विरोध किया और जब इस एक्ट को पास कर दिया गया ना ब्रिटिश पार्लियामेंट से तो दोस्तों गवर्नर जनरल ने इस्तीफा दे दिया जी हाँ गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया इस्तीफा दे दिया इसीलिए दोस्तों सत्रह में आया तो लेकिन पचासी में दोस्तों उसका इस्तीफा भी याद आ गया है तो याद रखेगा उसके बाद अस्थायी रूप से गवर्नर बनाया गया किसे तो मेटफर्सन को किसे बनाया गया दोस्तों मेटफर्सन को दोस्तों गवर्नर बनाया गया ठीक है बंगाल का लिख रहा कंपनी अधिकृत प्रदेशों को क्या कहा जाता था जितना जगह दोस्तों कंपनी के अधीन था भारत का वह क्षेत्र ठीक है भारत का भारत का क्षेत्र क्षेत्र जो कंपनी के अधीन था कंपनी के कंपनी के अधीन था अधीन था उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता था तो उस स्थान को कहा जाता था कि यह ब्रिटिश ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है या प्रदेश है ठीक है ब्रिटिश अधिकृत अधिकृत क्षेत्र के नाम से उन्हें जाना जाता था ठीक है ये भी याद रखेंगे ठीक है और किस एक्ट के तहत दोस्तों तो पिट्स इंडिया एक्ट में ही आया ठीक है ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसी में दोस्तों यह नाम दिया गया तो सवाल भी आता है कि किस एक्ट में ऐसा कहा गया तो क्या बताएंगे सत्रह चौरासी के पिट्स इंडिया एक्ट में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था उसे ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहा जाने लगा चलिए आगे बढ़िए लिख रहा है व्यापारिक मामलों का संचालन यहां दोस्तों जितने भी व्यापारिक मामले होते थे उसका संचालन दोस्तों किसके हाथों में था कौन उसका संचालन करता था तो, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे दोस्तों जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे डायरेक्टर्स ठीक है याद रखेगा पूरा संचालन यही देखते थे कि सिंपल सी बात है भाई कि जितने भी व्यापारिक मामले हैं वो संचालन इनके द्वारा देखे जाते थे लेकिन 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 किसी भी तरह का राजनीतिक मामला अगर है तो उसके लिए दोस्तों किसका गठन किया गया था तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पे नहीं थे राजनीतिक मामलों के लिए यहां पर नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया किसका गठन किया गया नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता था क्या कहा जाता था दोस्तों बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता था

मामलों को देखना दोस्तों क्या था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्य कार्य था लिख रहा है इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था इसके जो मेंबर चूज किए जाते थे कौन चुनता था याद रखेगा ब्रिटेन का ब्रिटेन का सम्राट जो ब्रिटेन का सम्राट होता था दोस्तों वही मेंबर चुना जाता चुनता था और कुल कितने मेंबर थे दोस्तों कुल सदस्य थे कितने तो सदस्यों की संख्या यहाँ पे आएगी छः कितने सदस्य दोस्तों अगर पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे तो क्या बताएंगे दोस्तों कुल छे सदस्य थे इन छे में से दोस्तों किसका क्या क्या रोल था तो इन छे में से मैं आपको बताना चाहूंगा एक तो दोस्तों ब्रिटेन का अर्थ मंत्री का, का समझते हैं ना अर्थ मंत्री ठीक है जैसे आज के जमाने में दोस्तों वित्त मंत्री हुआ करता था उसी तरह से ये ब्रिटेन का अर्थ मंत्री हुआ करता था तो एक तो वो खुद ही इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर हुआ करता था दूसरा दोस्तों जो ब्रिटेन का विदेश सचिव था विदेश सचिव था वो भी दोस्तों मेंबर माना जाता था इसमें दूसरा व्यक्ति हो गया तीसरा याद रखेंगे जो ब्रिटेन का सम्राट होता था दोस्तों वो आ, क्या करते थे ब्रिटेन के सम्राट प्रीवी काउंसिल में से प्रीवी काउंसिल जो होती थी दोस्तों प्रीवी काउंसिल प्री, प्रीवी प्री काउंसिल में से में से में से, से सदस्य चुनते थे में से सदस्य सदस्य चुनते कितने सदस्य दोस्तों तो चार सदस्यों का चुना जाता था तो चार और दो मिलाकर कितने हो जाते थे? हो जाते जाते थे थे छह इस तरह से ठीक है चुनता कौन था तो ब्रिटेन का जो सम्राट है ना वही चुनेगा यह बात भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है है लिख रहा गवर्नर जनरल के के परिषद सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई तो शुरुआत में दोस्तों चार सदस्य थे चार सदस्य थे लेकिन दोस्तों बाद में घटा के कितनी कर दी गई दोस्तों तीन सदस्य हो गए याद रखेंगे कब दोस्तों चार कब थे दोस्तों तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था

चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगला लिख रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया तो याद रखेगा पर दोस्तों महाभियोग चलाया गया था किसके ऊपर वारेन हेस्टिंग पर दोस्तों महाभियोग चलाया गया था सात वर्ष के लिए महाभियोग लगाया गया था लेकिन दोस्तों अंततः अंततः बरी हो गया है। क्या हो गया दोस्तों बरी हो गया ठीक है बरी हो गया मतलब क्या हो गया दोस्तों दो सिद्ध नहीं हो पाया अच्छा कौन कौन से मुख्य कारण थे दोस्तों कारण अगर आपसे कभी पूछे तो क्या कारण तो दोस्तों इसके दो मुख्य कारण थे पहला याद रखेगा बनारस के राजा बनारस के राजा चेत सिंह चेत सिंह के साथ जो इसने अन्याय किया था वो एक बड़ा मामला था और एक दोस्तों नंद कुमार को फांसी दे दिया था नंद कुमार को फांसी दिया गया था वो एक बड़ा मामला था दोस्तों इसी दो मामले की वजह से वारन हेस्टिंग के ऊपर क्या चलाया गया दोस्तों महाभियोग लगाया गया था ये आप ध्यान रखेंगे लिख रहा पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध दोस्तों किसने किया था तो पिट्स इंडिया एक्ट जो सत्रह चौरासी में आया था मैंने पीछे ही आपको बताया कि इसका विरोध दोस्तों कौन कर रहा था दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने ही इसका विरोध किया था और विरोध ही नहीं वारेन हेस्टिंग ने अपना इस्तीफा भी दे दिया क्या दे दिया दोस्तों इस्तीफा भी दे दिया इसके चलते ये भी याद रखेंगे ठीक है अगला लिख रहा है वारेन हेस्टिंग पर किस मंत्री ने महाभियोग एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके मुकदमा चलाया था उस मंत्री का नाम क्या था दोस्तों तो उस मंत्री का नाम है बर्क क्या नाम है दोस्तों बर्क नामक मंत्री ने दोस्तों इसके ऊपर क्या चलाया था महाभियोग चलाया था मुकदमा चलाया था सात साल तक ये मुकदमा चला लेकिन बाद में दोस्तों इस मुकदमे से बरी हो गया था यह भी याद रखेंगे ठीक है लिख रहा भारत में अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए कहां पर एक कोर्ट की स्थापना की गई थी तो भारत में जो भी अंग्रेज अधिकारी किसी तरह के भ्रष्टाचार में किसी तरह के जो है गतिविधियों में अगर लिप्त पाए गए जो कि कंपनी के खिलाफ था कंपनी के नियम के खिलाफ था तो ऐसे में दोस्तों उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था और जो कोर्ट था दोस्तों वो इंग्लैंड में बना हुआ था कहां पर बना था दोस्तों वो कोर्ट कहां पर था वो इंग्लैंड में था वहीं इंग्लैंड में दोस्तों अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलता था ठीक है देखिए लिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह सो तिहत्तर तो दोस्तों कैसे तक तक सत्रह सो तिहत्तर में आया और सत्रह सौ चौरासी तक चला आप जोड़ एक एक रेगुलेटिंग एक्ट रहा ठीक है लेकिन कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मान लीजिए कोई भी और कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय बना था दोस्तों वहां पे चला गया व्यक्ति और वहां के निर्णय के विरुद्ध वो क्या कहीं अपील कर सकता था ये तो सर्वोच्च न्यायालय था फिर वो अपील कहां करता तो अपील कर सकता था दोस्तों वो अपील कर सकता था प्रीवी काउंसिल में कहां पर दोस्तों प्रीवी काउंसिल में दोस्तों अपना अपील कर सकता था और ये प्रीवी काउंसिल कहां स्थित थी, थी दोस्तों ये इंग्लैंड में बनी थी कहां बनी थी इंग्लैंड में थी प्रीवी काउंसिल तो उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध या उसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील किया जा सकता था ये प्रीवी काउंसिल में अपील होती थी याद रखेंगे जो इंग्लैंड में बनाई गई थी ठीक है लिखा है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम अपर न्यायाधीश कौन थे देखिए अपर न्यायाधीश पूछ रहा दोस्तों अगर आपसे पूछता मुख्य न्यायाधीश अगर पूछता आपसे मुख्य न्यायाधीश तो आप क्या बताते दोस्तों तो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा 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 इम्पे इम्पे इनका नाम क्या दोस्तों? याद मुख्य न्यायाधीश लेकिन अगर आपसे पूछे अपर न्यायाधीश तो याद रखेगा इसमें कई लोगों का नाम है ठीक है एक तो नाम है हाइड याद, याद रखेगा दूसरा नाम याद रखेगा याद रखेगा लेमेस्टर ठीक है लेमेस्टर याद रखेगा और तीसरा नाम याद क्या हाइड हो गया लेमेस्टर हो गया और चेंबर्स हो गया ठीक है ठीक है तो चेंबर्सर और हाइड ये तीन अन्य जो न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों पे तो टोटल चार हो गए एक मुख्य और तीन अन्य न्यायाधीश ये अन्य कोई दोस्तों अपर न्यायाधीश यहाँ कहा जा रहा है लिख रहा है किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया तो पीछे दोस्तों इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में दोस्तों ये कहा गया किसमें कहा गया जो पिट्स इंडिया एक्ट आया क्विट्स इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्विट्स इंडिया एक्ट जो सत्रह सौ चौरासी में आया उसी में दोस्तों याद रखेंगे जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उसे ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र या फिर ब्रिटिश अधिकृत भारत का नाम दिया गया लेकिन किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया तो पहला जो लिखित संविधान आया था दोस्तों उसे तो हम रेगुलेटिंग एक्ट को ही मानते हैं ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट को ही दोस्तों पहला लिखित संविधान मानते हैं क्योंकि इसके पहले कंपनी के लिए किसी भी तरह का कोई लिखित संविधान नहीं था किसी भी तरह का कोई कानून नहीं था पहली बार दोस्तों ब्रिटिश संसद से इस तरह के कानून पारित किए गए कि कैसे कंपनी को काम करना चाहिए और कैसे कंपनी चलाई जाएगी ठीक है इसको याद रखेंगे लिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम सत्रह में दोस्तों कौन सा विधेयक लाया गया बच्चों के दिमाग में आएगा पिट्स इंडिया का रुको यार एक्ट तो सत्रह सौ चौरासी में आया था ना हम क्या पूछ रहे हैं हम सत्रह सो तिरासी में पूछ रहे हैं तो याद रखेगा सत्रह सो तिरासी में आया लेकिन तो नहीं हो सका दोस्तों उसे हम कहते थे डंडाज अधिनियम क्या कहते थे दोस्तों दोस्तों डंडाज दोस्तो? डंडाज अधिनियम अधिनियम यहां ये दोस्तों पारित नहीं हो पाया ठीक है और ऐसा ही नहीं इसके बाद दोस्तों एक अधिनियम और आया था फॉक्स का भारत अधिनियम यहां दोस्तों फॉक्स का

विलियम पिट दोस्तों याद रखेंगे जब आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट सत्रह उस समय दोस्तों पीएम कौन थे तो उस समय पीएम थे विलियम पिट कौन थे दोस्तों विलियम विलियम ठीक है यह सवाल क्या कर रहा है लिख रहा है थे? थे दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है सवाल रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर ही पूछ सकता है और सवाल पिट्स इंडिया एक्ट के आधार पर ही पूछ सकता है तो दोनों को याद रखेगा लिख रहा है किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार पर कंपनी का दोहरा नियंत्रण दोस्तों स्थापित किया गया कौन सा वो एक्ट था जिससे दोहरा नियंत्रण दोस्तों आया तो बच्चों के दिमाग में आएगा कि शायद रेगुलेटिंग एक्ट नहीं जब कभी दोहरा नियंत्रण की बात करें तो याद रखेगा कंपनी का भी नियंत्रण और ब्रिटिश सरकार का भी नियंत्रण दोनों नियंत्रण आ गए थे ना वो किससे आया दोस्तों वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट से किससे दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोस्तों याद रखेगा यहां पर द्वैध नियंत्रण की बात आ गई जो सत्रह में आया था ठीक है याद रखेंगे यहां पर दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ भारत में याद रखेंगे तो यहां

की स्टडी 91 पर आ जाएंगे तो एक बात तो तय तो है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत कर देंगे ना कि तैयारी अच्छे लेवल पर हो पाएगी इतना तो तय है ठीक है इसलिए एक बार ज्वाइन जरूर करिए तभी आप पहचान पाएंगे कि नहीं चीजें अच्छी दी जा रही हैं या कैसी हैं ठीक है थीके? तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत एक निवेदन दोस्तों आप सभी से कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि कब कौन सी क्लास दी जाती है ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच